नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे वंदे बिहार। बिहार की राजनीति को समझना थोड़ा आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि जिस तरह से सोमवार को हरवंश जी जो उपसभापति हैं वो नीतीश कुमार से अचानक आकर मिले और घंटों बात अकेले में हुई। कहा यूँ जाने लगा कि फिर से क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। और प्रशांत कुमार ने पहले भी ये प्रिडिक्ट किया है कि बिहार में सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। चिराग पासवान भी कह रहे कि जल्द सरकार गिर जाएगी। इसको लेकर एक प्रिडिक्शन लगाया गया, क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा होंगे या जो बैठक हुई थी उस बैठक में कोई बात नहीं बन पाई। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि हरवंश राय बीजेपी के यानी कि नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी करीबी हैं और नीतीश कुमार के भी, जबकि जदयू से सांसद हैं, उसके बावजूद अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और अचानक जब मिलने आ गए तो सत्ता के गलियारों में ये बात आग की तरह फैल गई। बहरहाल मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि ये पलटी मारने का नौबत नहीं, बिल्कुल ही पलटी नहीं मारेंगे 100%। इसका कारण ये तो खैर मैं बता रहा हूँ, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, चूँकि 2-3 आरजेडी के जो विधायक हैं वो लगातार नीतीश कुमार जी पर हमलावर हैं, आप नाम जानते हैं। तो नीतीश कुमार देखिए मंजे हुए नेता हैं और जिस तरह से एक अभी बैठक हुई विपक्षी पार्टी के, उसके बाद एक हवा देने की कोशिश की गई कि अब जल्द से जल्द नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो बिहार में सुगबुगाहट तेज हो गई या यूँ कहें कि पूरे देश में होगी। अब नीतीश कुमार गद्दी तेजस्वी को सौंप देंगे, फिर से वैसा ही राज आ जाएगा, यादवों का राज आ जाएगा, ऐसे फलाने ढिकाने की बात होगी। तो इस बात को ज़्यादा तुल न देते हुए नीतीश कुमार जी को आप लोग जानते हैं कि कैसे बिना कुछ बोले हुए कैसे दबाव की राजनीति करते हैं, तो एक प्रेशर बनाने के लिए कि आप ज़्यादा इधर उधर कीजिएगा तो हमारे लिए दरवाजे खुले। तो अब इस बात से देखिए, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पार्टी कुछ भी कर सकती हैं और नीतीश कुमार का तो खैर ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहे कि कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेज हैं, संभावना जो है नीतीश कुमार अभी पलटी नहीं मारेंगे। पलटी मारने से उनका ही नुकसान होने जा रहा है या यूँ कहें कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी। अभी पार्टी ख़त्म हो जाने से एक बात आई कि अभी चर्चा है कि आरजेडी में जदयू का विलय हो जाएगा, और अगर मान के चलिए अगर एनडीए के साथ जाते हैं तो हो सकता है 2025 चुनाव आते आते उनकी पार्टी ही ख़त्म हो जाए, तो वो अलग बात हो सकती है। लेकिन इसके दरमियान एक अलग बात है कि लगातार नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी से मिलते रहे, तो क्या दोनों में खिचड़ी पक रही है और किस बात को लेकर हरिवंश राय जी से मिलने गए, या यूँ हो सकता है कि चूँकि अभी ये भी आपको सुनने को मिल रहा हो कि अब कैबिनेट का विस्तार होगा, इसको लेकर भी चर्चा हो कि आप कैबिनेट में नहीं रहिए, बातचीत बहुत सारी बातें, अटकलों का बाजार है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस बिहार के सत्ता के गलियारे में याद जो बात फैल रही हैं उनमें से हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, संभव हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा देखने को दूर दूर तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी वह देश में घूमने के लिए और यूँ कहें कि विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा अभी विश्वास करने वाली बात नहीं कि अगर हरवंश राय जी से मिले हैं, क्योंकि काफ़ी नज़दीकियाँ और उनके सांसद हैं तो मिले हैं, क्योंकि 1-to-1 सारे विधायक और सांसदों से अभी तक वो मिल चुके हैं, तो उसका ही एक पार्ट होगा ये। तो अभी तो इससे नहीं पता चल रहा कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, लेकिन बहरहाल जो स्थिति अभी है बिहार में, या विपक्षी पार्टी अगर एकजुट होगी तो जो दावा किया जा रहा है कि फिर से मोदी जी 300 सीटें जीतने में संभव हैं,
वो अगर विपक्षी पार्टी एकजुट रह गए तो ये संभव तो नहीं दिख रहा, खासकर बिहार से ही ऐसा लोगों का कहना है। आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।